राप्ती नदी तथा रोहिणी नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण विधानसभा सहजनवा एवं कैंपियरगंज के गांव घुनघुन कोठा उत्तर कोलिया तथा डोमिनगढ़ के गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तथा घुनघुन कोठा के पास बने रेलवे अंडरपास पूरा जलमग्न होने के कारण लोगों को रेलवे लाइन पार कर आवागमन करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि घरों में पानी आ जाने के कारण जीवन यापन रोड तथा रेलवे लाइन के किनारे व्यतीत करना पड़ रहा है। ना तो यहाँ नाव की व्यवस्था है और ना ही कोई हम लोगों को राहत सामग्री मिला है। हम लोग बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जबकि इस संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित सभी क्षेत्रों में हर संभव मदद कर रही है। नावों के साथ राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कंट्रोल रूम पर सूचना देकर सहायता ले सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, गोरखपुर में दोनों नदियों का जल स्तर तेजी से घट रहा है। राप्ती लगभग 20 सेंटीमीटर घट के नीचे आ गई है। सरयू भी उतार पर है और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों नदियां उतार पर हैं, तो अगले 7-8 दिन में, एक सप्ताह में जो हमारे यहां बाढ़ की समस्या है वो कम हो जाएगी और लोगों को इससे निजात मिल जाएगी। जो बाढ़ ग्रसित गाँव है सर, क्या सुरक्षा है? जो भी बाढ़ से प्रभावित गांव हैं उनमें नावें लगा दी गई हैं, राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है, कम्युनिटी किचन चल रहा है, भूसे का वितरण हो रहा है, मिट्टी के तेल का वितरण हो रहा है और हमारी जो मेडिकल टीम है, एनिमल हस्बेंड्री की टीम है, वो गांव का भ्रमण कर रही है और किसी को भी कोई यदि समस्या होती है तो वो SDM साहब के नंबर पे, तहसीलदार साहब के नंबर पे या मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 94-54-41-76-15 94-54-41-76-15। धन्यवाद।